we have with us Manzoor Dar, popularly known as Man Pando, who has been picked by Kings XI Punjab, Preeti Zinta's Kings XI Punjab, for IPL 2018 edition. Manzoor, आपको पहले यकीन था कि IPL 2018 का कंट्रैक्ट मुझे मिलेगा? सर, अभी इतना नहीं सोचा था कि मतलब हो जाएगा, लेकिन जैसे पिछले साल मैंने T20 खेला अपने स्टेट के लिए, तो उसमें मेरे जोन में नाम आ गया, तो उससे मेरा हौसला बढ़ गया कि अब मुझे डबल मेहनत करनी है। तो इस साल खेला तो मेरा ठीक रहा, तो उसके बाद इस साल भी मैंने ये खेले सईद मुश्ताक अली ट्रॉफी। तो उसके बाद जब IPL में फॉर्म भरने थे तो फॉर्म भरा मैंने, तो उसके बाद जब वो शॉर्ट लिस्ट आता है उसमें शायद कुछ 1250 प्लेयर थे, उसके बाद 500 का कुछ आया, तो फिर मैं होपफुल हो गया कि कोई टीम फ्रेंचाइजीज मुझे कर... उसके बाद मुझे लगभग हमारे T20 मैचेस चल रहे थे, तो मुझे बीच में कॉल आ गई, क्या बोलते, राजस्थान रॉयल्स से, पंजाब राजस्थान रॉयल्स से मुझे कॉल आई थी, तो मुंबई उन्होंने बुलाया मुझे ट्रायल के लिए। तो फिर मैं ट्रायल देने गया वहाँ, तो वहाँ से आके फिर 4-5 दिन हो गए, उसके बाद एक और लिस्ट निकाला BCCI ने, वो हाईएस्ट स्ट्राइक रेट का, तो उसके बाद मैं 14 नंबर पे आया अपने कंट्री में, इंडिया में, स्ट्राइक रेट के हिसाब से, तो एवरेज भी ठीक थी, तो उसके हिसाब में होपफुल था। अच्छा, अब आप दिग्गज नाम जैसे क्रिस गेल है, आरन फिंच है, या डेविड मिलर है, फॉर दैट मैटर युवराज सिंह है, या रविचंद्र अश्विन है, इनके साथ खेलने जा रहे हो, तो आपको कैसा फील हो रहा है और आपकी प्रिपरेशन क्या है? बिल्कुल सर, मेरे लिए तो ये खुशी की बात है, इससे ज़्यादा मेरे लिए कोई खुशी की बात नहीं होगी, क्योंकि सर सबसे पहले जो मेरी ड्रीम है कि मैं उसमें अब आगे जा रहा हूँ, और मुझे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा वहाँ, और जितने भी प्लेयर हैं मैं 100% कोशिश करूँगा कि खेलने के साथ साथ उनसे बहुत कुछ सीखूं क्रिकेट के हवाले से, उनके एक्सपीरियंस से, तो काफ़ी अच्छा होगा मेरे लिए, और मैं इंशाल्लाह उम्मीद करता हूं कि जैसे ही मुझे वहां से चांस मिलेगा टीम के लिए, तो मैं अच्छा खेलूं। इस कनेक्शन में आपकी प्रिपरेशन क्या है जब तक ये शुरू हो जाएगा? बिल्कुल सर, अब तो मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करूँगा इंशाल्लाह, जब तक अभी लगभग 1.5 महीना 2 महीने हैं, दो महीने से ज़्यादा टाइम है, तो काफ़ी मेहनत करूँगा मैं, तब तक प्रिपरेशन करके रखूँगा मैं। आपके वन डेयर्स भी आ रहे हैं विजय हजारी ट्रॉफी के लिए, तो आपको वो मौका भी मिलेगा खेलने का? इंशाल्लाह सर, तो मैं इंशाल्लाह अभी ट्रायल में आया हूँ, ट्रायल हमारी चल रही है यहाँ जम्मू में, सर मैं भी जम्मू में हूँ, तो इंशाल्लाह मैं अच्छा कोशिश करूँगा खेलने के लिए, क्योंकि उससे भी मेरी प्रिपरेशन हो जाएगी, क्योंकि ये अच्छी बात है कि उससे पहले मैचेस मिलेंगे, प्रोफेशनल मैचेस मिलेंगे मेरे को खेलने के लिए, तो अच्छी बात है। यहाँ तक आने में आप किसको एट्रीब्यूट करोगे, आप किसको क्रेडिट देना चाहोगे कि यहाँ पे जो आप आए, आज IPL कॉन्ट्रैक्ट मिला आपको, तो जो कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, आप किस किस क्लब से आप खेले हो, तो आप इस पर चर्चा कर दो। सर, जब मैं छोटा था तो सबसे बड़ा क्रेडिट मेरे वालिद और मामा को जाता है, तो उसके बाद जैसे ही मैं मुझे पूरा याद है कि 2009 का साल था, मैं उस टाइम पढ़ता था नाइन्थ टेंथ क्लास में पढ़ता था, 9 का साल था सर, उसके बाद अप्रैल का महीना था, मैं फर्स्ट टाइम आया स्टेडियम, जम्मू कश्मीर का एक ही स्टेडियम है श्रीनगर में, तो JKCA का एक स्टेडियम है, शेरे कश्मीर स्टेडियम, वहाँ टर्फ विकेट होती थी, उससे पहले मैंने कभी टर्फ विकेट देखा नहीं था ना खेला था, बस TV पे देख रहा था बस, और कभी नहीं देखा था। तो मेरा पहला मैच था, तो मैं डिस्ट्रिक्ट बड़गाम की तरफ से खेल रहा था, वो एक लीग हो रही थी, वो जम्मू और कश्मीर की, जम्मू के विंग से, कश्मीर के विंग से, तो मैं उस टाइम मुझे पूरा याद है, श्रीनगर जिमखाना एक क्लब है, उसके साथ मैंने मैच खेला, मैंने 72 रन बनाए 23 बॉलों में। तो उस टाइम सुबह जब मैं उठा, अप्रैल का महीना था, तो मेरा नाम पेपर में आया था, तो काफ़ी खुशी हुई मुझे उस टाइम। तो उसके बाद मेरा इंटरेस्ट ज़्यादा बढ़ गया, क्योंकि उसके बाद मेरा अब अच्छे जो हमारे स्टेट के प्लेयर थे, बड़े बड़े प्लेयर थे, उनसे मिलने का मौका मिला, उनसे सीखने का मौका मिला, एक्सपोजर मुझे मिला। उसके बाद मैं एक छोटे से क्लब से खेल रहा था, उसका नाम था हैदरिया क्लब, उसके बाद एक साल उससे खेला, फिर उससे बड़े क्लब में खेला, कश्मीर जिमखाना में खेला, उसके बाद मैंने सिटी में खेला, उसके बाद ACC में खेला, अभी मैं खेल रहा हूँ पिछले 2 साल से, जैसे मैंने नेशनल खेला है 2 साल से मैं खेल रहा हूँ UCC रेड्स श्रीनगर से।
यूनाइटेड क्रिकेट क्लब श्रीनगर से मैं खेल रहा, अभी उसी के साथ मैं फिलहाल खेल रहा हूँ। यूसीसी में जब से आप खेलने लगे तब से आपको मतलब इसमें भी पिक किया, रणजी ट्रॉफी में भी आपको वहाँ से मौका मिला, दो साल से मैं और आईपीएल कॉन्ट्रैक्ट भी अभी आप उसी में खेल रहे हो यूसीसी में। बिल्कुल, फिलहाल मैं उसी में खेल रहा हूँ यूसीसी रेड्स। उसमें से आप किसी का मतलब ये जो हौसला अफजाई जिन्होंने की आपको, कि किसी का नाम लेना चाहेंगे? बिल्कुल, मैं थैंकफुल हूँ लतीफ मांगनू का, हमारे जनरल उसमें फाइनेंसर है, और जॉनी भाई, अशरफ भाई, मैं उनका बहुत थैंकफुल हूँ। अब आपका शुरू होगा आईपीएल, इन बड़े बड़े दिग्गज नामों के साथ आपने खेलना है, और उसके जो ओनर्स है जैसे प्रीति जिंटा है और लीजेंडरी क्रिकेटर सहवाग उसके डायरेक्टर है, तो कैसी फीलिंग हो रही है आपको? बिल्कुल सर, मैं बहुत ही वेट कर रहा हूँ कि कब वो दिन आएगा कि मेरा प्लेइंग 11 में नाम आएगा। काफ़ी मैं अभी आपको सर बताऊँ क्या कैसे कि कितना इंतज़ार कर रहा हूँ मैं अभी से उस दिन का कि मेरा किंग्स 11 में 11 प्लेयरों में नाम कब आएगा। मतलब पहले से ये मतलब आपकी फीलिंग है कि 11 में आप खेल सकते हो वहाँ पे? इंशाल्लाह सर, मेहनत करूँगा 100% अपना, मेहनत करूँगा 100% दूंगा, तो इंशाल्लाह मौका मुझे मिलेगा तो मैं इंशाल्लाह 100% अच्छा करूँगा। आप मशहूर हो क्रिकेटिंग कम्युनिटी में या क्रिकेटिंग फैटर्निटी में कि ये बड़े बड़े छक्के मारते हैं, कि मतलब आपको आपका नाम ही है 100 मीटर सिक्सर, तो इसकी क्या वजह है? सर अभी मैं आपको एक बात बताऊंगा सर, हमारे जो कंट्री है इंडिया सर, इसमें क्रिकेट को पूजा किया जाता है, क्रिकेट को यहाँ पर क्रिकेट का इतना जुनून है, इतने क्रिकेट खेलते हैं, रणजी ट्रॉफी खेलते हैं, डोमेस्टिक क्रिकेट खेलते हैं, जितने भी प्रोफेशनल क्रिकेट खेलते हैं, यहाँ पर बड़े बड़े प्लेयर हैं सर। मेरा दिमाग में इतना आया था कि 2-3 साल पहले अगर मुझे नेशनल लेवल पर खेलना है, बड़ा क्रिकेट खेलना है, मुझे कुछ एक्स्ट्रा करना है जिससे मैं नज़रों में आ जाऊँ सर, मैं बस अपनी नेचुरल गेम खेल रहा था, उसकी वजह से मैं सर आपके सामने भी हूँ। आपका मंत्र है नेचुरल गेम, जो आपकी गेम है उस वही खेलना है, तो उसी से आपकी सक्सेस। बिल्कुल सर, बिल्कुल सर। आप छोटे से गाँव से हो, तो जो अक्सर यहाँ पे देखा जाता है कि हेडक्वार्टर JKCA का श्रीनगर में है और उसके बाद विंटर्स में यहाँ पे आ जाता है, लेकिन आप छोटे से गांव में, और ये जो मैसेज एक जा रही है सभी में कि छोटे से गांव से उबर के एक लड़का आया, उससे पहले परवेज़ रसूल आया, परवेज़ रसूल भी गांव से आया लेकिन वो भी तब भी बिजबिहारा मतलब उतना दूर नहीं है सिटी से, आप फार फ्लंग हो सिटी से, और दूसरा ये है कि छोटा सा गाँव है, बांडीपोरा डिस्ट्रिक्ट है, तो आपकी नज़रों में मतलब क्या लग रहा है आपको, इससे क्रिकेट का रुतबा बढ़ जाएगा? बिल्कुल सर, डेफिनेटली, जैसे सर मैं एक छोटे से गांव से हूँ सर, छोटे से गांव से सर दूर और नज़दीक का कुछ फैसला नहीं होता सर, मसला होता है कि आपके इलाके में किसी ने अभी तक नेशनल खेला है, कोई प्रोफेशनल गेम खेला है, क्रिकेट हो कोई भी सपोर्ट सर, हमारे इलाके में टीवी के बगैर कोई कुछ नहीं जानता था, जो भी जानता था टीवी पे देखता था, जैसे सचिन आते थे, जो भी मतलब हमारे इंडिया के बड़े बड़े प्लेयर वर्ल्ड के, तो हम देखते थे टीवी में, और किसी को पता नहीं था कि क्रिकेट है क्या। तो सर मैंने खेला वहाँ से सर, मैं कितना बताऊँगा वो कितनी मुश्किल थी वहाँ से आके फिर अपने आप को प्रूव करना, फिर सर सिटी वाले उनको सर बहुत सारा एक्सपोजर होता है, और सर जैसे आपने बिजबेड़ा की बात की सर, हमारे एक ही इंडिया प्लेयर हैं सर, वहाँ भी उनके लेजेंड प्लेयर क्यूम सर हैं, कोच साहब, वो तो उनको थोड़ा एक्सपोजर था सर, तो उनको बहुत एक्सपोजर था, तो हमको वहाँ एक्सपोजर कुछ नहीं था। तो मेरा सर इतना मैसेज है कि अब मैंने खेला है, जो भी हमारे जो नए लड़के हैं, छोटे बच्चे हैं वहाँ पर, उनको उनके अंदर एक जुनून सा आ गया क्रिकेट में। इससे जब से आपकी सिलेक्शन हुई तो आपके गांव में और अड़ोस पड़ोसी जो गांव है तो वहां पर एक जुबिलेशन जैसी होती हो? बिल्कुल सर, मैंने कल देखा था न्यूज़ में, तो मैंने देखा बहुत सारे लोग थे वहां सेलिब्रेशन कर रहे थे, मैं उनका शुक्रगुजार हूं। और जो बच्चे हैं हमारे गांव में एक अलग सा कल्चर होता है, जैसे मैं खेलता था मेरे वालिद मुझे बोलते थे या आप कहाँ जा रहे हो, काम करो, हमारे घर में ऐसी प्रॉब्लम्स थी कि मैं काम पे जाता था, फिर मैंने अपने हिसाब से नाइट काम किया, वो किया, ये किया, तो फिर ऐसे ही वहाँ था। अब मैंने खेला, अब मुझे अपनी फीलिंग्स लगती है कि अब वहाँ के जो पेरेंट्स है वो बच्चों को खेलने देंगे। अच्छा, अब वहाँ पे आपके गांव के अड़ोस पड़ोस गांव में आप स्पोर्ट्स के लिए उनको लग रहा है कि अब ये कैरियर ऑप्शन है? बिल्कुल सर, अब तो मुझे अपने हिसाब से लग रहा है कि अब वो तो, क्योंकि अब उनको जज्बा बढ़ गया, अब मेरा पहले स्टेट में नाम आ गया, उस टाइम वहाँ पर लड़के खेलने लगे, अब सर मेरा आईपीएल ने मुझे आईपीएल में मेरा नाम आ गया, तो सर आप डेफिनेटली वहाँ तो सारे लड़के अब जज्बे में हैं कि हम भी क्रिकेट खेलेंगे या कोई और दूसरा मतलब गेम खेलेंगे, इंशाल्लाह खेलेगी भी तो
बहुत ही अच्छा रहेगा हमारे लिए। हमने सुना है कि आप एक पुअर फैमिली से बिलोंग करते हो, जो मतलब आपके फादर वालदीन साहब जो है वो एक लेबर क्लास के ये है, तो आपको मतलब क्रिकेट में जैसे आप आ रहे हो, तो आप कैसे इसको बैलेंस करते हो? सर मैं मिडिल क्लास फैमिली से हूँ, मेरे वालिद का नाम अख्तर अहमद डार है, तो हमारी फैमिली है, मेरी चार सिस्टर हैं, हम और तीन भाई हैं, हम चार भाई चार सिस्टर हैं, मैं सबसे बड़ा था। तो सर गांव में एक हिसाब माहौल होता था, वहाँ पर पढ़ाई कम होती थी उस टाइम जब मैं छोटा था सर, 10-15 साल पहले वहाँ पढ़ाई बहुत कम होती थी, तब मैं 10-11 साल का था। तो सर मैं फर्स्ट टाइम मैं 11-12 साल का था जब मैं सर मजदूरी करने लगा, उस टाइम मैं सर 60 रुपये कुछ दिन में कमाता था। तो सर खुद भी पढ़ता था और मेरे छोटे भाई थे बहनें थे उनको भी पढ़ाना था, वालिद साहब घर में थे उनको मैंने काम करने नहीं दिया, फिर मम्मा बीमार थी। तो सर एक रोटेशन मेरी, मुझे इसलिए थोड़ा आइडिया था सर, मेरी मम्मा सिटी से थी तो सर उसकी वजह से मुझे थोड़ा आइडिया था कि बच्चों को पढ़ाना है, भाइयों को पढ़ाना है, बहनों को पढ़ाना है। अभी सर माशाल्लाह वो मेरी जितनी जो सिस्टरें हैं अभी ठीक ठाक पढ़ रही है, अभी ग्रेजुएशन की है एक ने, दूसरी कर रही है तो और ठीक भी पढ़ रही है, तो उससे मैं बहुत खुश हूँ अपने वालिद का कि उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया, बैक किया कि आप कर सकते हो, सब कुछ कर सकते हो, घर भी चला सकते हो, क्रिकेट भी खेल सकते हो, और नसीहत की हमेशा कि आप कभी भी ये मत सोचना कि आप कुछ ऐसा काम करना कि सर मैंने बहुत मेहनत की उसके लिए। आप सबसे बड़े हो, सबसे बड़े भाई हो आप अपनी फैमिली में, तो आप बैलेंस कैसे करते हो ये जैसे क्रिकेट भी खेलना अपने फैमिली को भी चलाना? सर एक टाइम ऐसा था मेरी फूफा थी वो बीमार थी, तो मेरे वालिद लगभग 6 महीने हॉस्पिटल में थे, मैं मेरी मम्मा भी थी वहाँ, मैं घर में बड़ा था। तो सर वो उस टाइम मुझे दुनिया का कुछ भी ख्याल ना कुछ याद था, मैं सब कुछ भूल गया था सर, बस मैं काम करता था, सुबह जाता था शाम को आता था घर, अपने घर के लिए मैं अपने भाइयों बहनों के लिए मैं बहुत काम किया उस टाइम। उसके बाद उसका इंतकाल हुआ, मेरी फूफा का इंतकाल हुआ, मेरी फूफा थी उसका इंतकाल हुआ, उसके बाद मैंने काम किया कि मैं अपने 2010 में मैं नाइट गार्ड के हिस्से प्राइवेट कंपनी में गया, फेडरल मोटर्स है परमपुरा बाईपास में एक बड़ी कंपनी, उसमें मैं प्राइवेट गार्ड के हिस्से से गया सर, नाइट गार्ड। हाँ सर 2010 में सर, तो 5 साल मैं वहाँ रहा, 15 तक 5 साल मैं वहाँ रहा, सिर्फ इसलिए कि मैं क्रिकेट खेलूँ। और उसके बाद जब मैं सुबह उठता था, मैं शाम को जाता था, सुबह एक गाड़ी आती थी, मेरे पास किराया भी नहीं होता था उस टाइम, सुबह गाड़ी एक आती थी, एक SSM स्कूल है वहाँ पर, SSM कॉलेज एक इंजीनियरिंग का, तो उसकी गाड़ी आती थी सुबह, तो उसका मैं वेट कर रहा था सुबह 7:30 बजे, वो आती थी 7 बजे, तो वो मुझे छोड़ती थी यहाँ पर, वहीं एक नज़दीकी हमारा एरिया पड़ता है बाईपास पे, तो वहाँ से मैं साइकिल पे जाता था 2-4-5 किलोमीटर घर श्रीनगर के, वहाँ अपने उधर छोड़ती थी सर मुझे सुबह वो। उसके बाद मैं सुबह जैसे ही घर पहुँचता था, मैं चाय वाय पीता था और जाता था काम पे 10 बजे तक मैं वुड का काम करता था। उसके बाद मैं खुद स्कूल जाता था, क्योंकि मैंने टीचरों को बता के रखा था मेरी ऐसी प्रॉब्लम में, उन टीचर ने भी मुझे हमेशा सपोर्ट किया वहाँ पर, तो उन्होंने मुझे कभी कुछ नहीं बोला, तो फिर मैं स्कूल जाता था। उसके बाद स्कूल से वापस आके 4:30-4 बजे मैं आता था, फिर मैं फिर श्रीनगर के लिए जाता था ये पारमपुरा इसमें नाइट ड्यूटी के लिए। सर वही चलता रहा 5 साल और क्रिकेट नहीं छोड़ा मैंने। जम्मू एंड कश्मीर U23 टीम ने हिस्ट्री क्रिएट की, उन्होंने वो U23 फॉर्मेट में नॉर्थ जोन चैम्पियन बने, आपका क्या कहना है? बिल्कुल सर, उनको मेरी दिल की उम्मीद गहरा से कॉन्ग्रेचुलेशन में कहता हूँ, मुबारकबाद कहता हूँ, ये हमारे लिए प्राउड मूवमेंट है कि फर्स्ट टाइम हम किसी फॉर्मेट में चैम्पियन बने हैं, तो काफ़ी गर्व की बात है, खुशी की बात है कि बच्चों ने लड़कों ने इतना अच्छा खेला है, इंशाल्लाह अभी इससे हौसला बढ़ेगा उनका, वो बड़े फॉर्मेटों में आएंगे, रणजी ट्रॉफी में आएंगे, उससे अच्छा करेंगे, हमारे लिए अच्छी बात है सर। कुछ लड़कों ने आउटस्टैंडिंग परफॉर्म किया, जैसे फाजिल रशीद है, अहमद उमर भांडे है, शुभम पुंदीर है, शुभम खजूरिया कैप्टन है, या कुछ बॉलर्स भी है, तो एक बेंच स्ट्रेंथ हमारा बन रहा है। बिल्कुल सर, टैलेंट बहुत है बच्चों में, बहुत सारा टैलेंट है लड़कों में सर, बस अभी ऐसे ही अगर वो मतलब हमने क्वालिफाई किया, बच्चों का नाम आ गया, लड़कों का नाम आ गया, अब वो जोन में सिलेक्ट हो जाएंगे, तो काफ़ी अच्छी बात है सर, ये लड़कों के लिए काफ़ी अच्छी बात है और स्टेट के लिए सबसे बड़ी खुशी की बात है ये। आपका क्या मैसेज है बडिंग क्रिकेटर्स के लिए, छोटे बच्चों के लिए जो क्रिकेट की रुचि जिनको है? सर मेरी ये मैसेज है कि हमारे स्टेट का एक बंदा इंडिया खेल चुका है,
इंडिया खेल चुका है, अपने दम पे इंडिया खेल चुका है, आईपीएल खेल चुका है परवेज भाई, तो उसको नज़र में रखो कि हमारे यहाँ पर टैलेंट बहुत है, मेहनत करो। और अब आप भी आए सर, अभी मेरा भी नाम आ गया उन सब लोगों की दुआओं की वजह से। सर ये मैं अपने जहन में रखता हूँ कि मेरे जो वालिद साहब, उन्होंने बताया कि कभी हिम्मत मत हारना, अगर आपके आप में जज्बा है, टैलेंट है, हुनर है, तो आप मेहनत करो, कुछ भी पा सकते हो आप। इट वॉज मंजूर पांडव हु मेड हिस्ट्री बाय बीइंग पिक्ड बाय प्रीति जिंटाज किंग्स इलेवन पंजाब फॉर 2018 IPL edition. Rajesh Dhar, Excelsior News.